नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यापकों की ई सर्विस बुक अपडेट हो चुकी हैं, और जिन लोगों की अपडेट होने में रह गई हैं उन लोगों को अपनी सर्विस बुकों को अपडेट आप संकुल के माध्यम से करवाना होगा। और साथ ही ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत से लोगों की सर्विस बुकों में बहुत से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको अपलोड करवाना होंगे संकुल केंद्र पर जाकर। इसी के बाद उनकी सर्विस बुक का वेरिफिकेशन हो पाएगा। इसी बीच अध्यापक नेता भरत पटेल का एक बयान आया है, जिसपे कि काफ़ी लोग काफ़ी समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अध्यापकों के लिए सरकार ने जो भी नीति बनाई है उसमें संविलियन शब्द का इस्तेमाल ना करके उन्होंने नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे अध्यापकों की जो वरिष्ठता है वो पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी। तो इस पर अध्यापक नेता भरत पटेल का कहना है कि अध्यापकों ने के संविलियन के लिए जो राज्य शिक्षा सेवा नया गठन किया गया है वहाँ पर संविलियन शब्द का इस्तेमाल ना करके नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, और साथ ही जो वरिष्ठता है वो वरिष्ठता कब से प्राप्त होगी, और उसके आदेश भी शायद इसी महीने जो हैं वो जारी हो जाएंगे, ऐसा अध्यापक नेता भरत पटेल का कहना है। तो चलिए आपको उनको पूरी पोस्ट दिखाते हैं, जिस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है और क्या कारण बताया है कि संविलियन के स्थान पर नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल करना, वरिष्ठता के बारे में, और साथ ही उस पर आने वाले व्यय के बारे में कि किस वजह से ये संविलियन शब्द का इस्तेमाल राज्य सरकार ने नहीं किया और नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। आप लोग पूरी पोस्ट को देखें और उसको समझने के बाद अपनी राय दें कमेंट्स के माध्यम से, जहां पर बताएं कि क्या भरत पटेल जो कारण बता रहे हैं इसी कारण की वजह से राज्य सरकार ने संविलियन नहीं किया और वो नए राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं क्या पोस्ट में उन्होंने लिखा है। पोस्ट में लिखा हुआ है, क्या साथियों आपको इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग में शामिल करने में संविलियन के स्थान पर आपके आदेश में नियुक्ति शब्द क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश सरकार आपको जुलाई 2018 से शिक्षक संवर्ग के समान सातवां वेतनमान और वर्तमान में लागू अंशदायी पेंशन के साथ साथ सरकार आपको राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारी के समान आपको भी शासकीय कर्मचारी बनाकर समस्त सेवा सुविधाएं आपको देने जा रही है। साथियों सरकार आपको जुलाई 2018 से ही शासकीय कर्मचारी बना रही है, इसलिए सरकार आपको वेतनमान सहित राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान सेवा सुविधाएं जुलाई 2018 से ही देना चाहती है, और आपकी पदोन्नति क्रमोन्नति में अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मी संवर्ग को 1998-99 और संविदा शिक्षक संवर्ग 2001 या उसके बाद नियुक्ति दिनांक से प्राप्त वरिष्ठता शिक्षक संवर्ग में भी यथावत जारी रखेगी, जिसके आदेश सरकार द्वारा इसी माह पृथक से जारी किए जाएंगे। साथियों सरकार आपके अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में शामिल होने वाले आदेश में नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द इसलिए नहीं लिखना चाहती है क्योंकि प्रदेश का लगभग 3 लाख अध्यापक संवर्ग कहीं शिक्षक संवर्ग में शामिल होने के बाद पुनः शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति दिनांक से शिक्षक संवर्ग के समान वेतनमान और सेवा सुविधाओं सहित एरियर के भुगतान की मांग सरकार अथवा माननीय न्यायालय के माध्यम से न करने लगे। साथियों जिसकी एरियर्स राशि लगभग मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के संपूर्ण बजट के बराबर होगी, जो कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार मध्य प्रदेश में बनने के बाद भी भुगतान करना संभव प्रतीत नहीं होती है। साथियों सरकार द्वारा अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में शामिल करने के आदेश में नियुक्ति शब्द इसलिए लिखा जा रहा है कि कहीं अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग में शामिल करने के बाद शिक्षाकर्मी एरियर के भुगतान की मांग ना करने लगे, क्योंकि यदि ये मांग की जाती है तो सरकार इस
जो एरियर होगा उस एरियर राशि को भुगतान नहीं कर पाएगी। साथियों, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में इस सरकार के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार बनने पर प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग में संविलियन करके शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति दिनांक से शिक्षक संवर्ग का वेतन एरियर राशि भुगतान कर सकती है? यदि नहीं तो संविलियन के स्थान पर नियुक्ति शब्द का विरोध क्यों? साथियों, जबकि आपको अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में शामिल होने के बाद भी आपकी पदोन्नति क्रमोन्नति में अध्यापक संवर्ग में प्राप्त होने वाली वरिष्ठता शिक्षक संवर्ग में भी यथावत जारी रहेगी। तो ये पूरी पोस्ट है जिस पोस्ट में उन्होंने कारण बताया है कि यदि संविलियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो भविष्य में अध्यापक संवर्ग जो शिक्षक संवर्ग में शामिल हो जाएगा वो एरियर राशि की मांग या तो सरकार से या न्यायालय के माध्यम से मांग कर सकता है और वो एरियर राशि इतनी अधिक होगी कि किसी भी सरकार को ये राशि देना संभव नहीं होगा, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या फिर कोई नई सरकार हो। जो भी भविष्य में यदि आती है तो वो सरकार भी इस एरियर राशि को का भुगतान नहीं कर पाएगी। इसीलिए अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन के स्थान पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो कारण अध्यापक नेता भरत पटेल द्वारा बताया गया है वो जायज़ है या कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से अध्यापकों का संविलियन ना करके उनकी नियुक्ति की जा रही है? और क्या अध्यापकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त होगी? क्योंकि अभी तक इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें ये बताया जाए कि अध्यापकों को जो वरिष्ठता है वो नियुक्ति दिनांक से मिलेगी। हाँ, ये जरूर अभी तक प्रतीत हुआ है जितने भी आदेश जारी हुए हैं और जो प्रेस नोट जारी हुई है उसमें ये जरूर कहा गया है कि अध्यापकों के जो शिक्षा विभाग में संविलियन में जब उनकी वरिष्ठता होगी वो वरिष्ठता का निर्धारण उनके अध्यापक संवर्ग में संविलियन की दिनांक से किया जाएगा। मतलब संविदा शिक्षक जो कि 2001 के बाद नियुक्त हैं उनको 3-3 साल का नुकसान होगा, 2001 वालों को 4 साल का और 1998-99 वालों को लगभग 8-9 साल की सर्विस का नुकसान इस आधार पर जरूर होगा। लेकिन इनका कहना है कि अध्यापकों की जो वरिष्ठता है उनको नियुक्ति दिनांक से ही प्राप्त होगी और इसके आदेश इसी माह जारी हो जाएंगे। तो यदि आदेश जारी होते हैं तो वरिष्ठता की जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। साथ ही वेतनमान और पुराने एरियर से संबंधित भी प्रेस नोट में कहा गया है कि अध्यापकों को जो छठा वेतन का जो एरियर है वो उनको इस नए राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति के बाद भी मिलता रहेगा, तो छठे वेतनमान के एरियर की समस्या भी अभी तक नहीं है। हाँ, सातवें वेतनमान को गवर्नमेंट चाहती तो 1 जनवरी 2018 से दे सकती थी और यहाँ पर जुलाई 2018 से दिया जा रहा है, लेकिन अध्यापकों की ये मांग है कि जो सातवां वेतनमान है वो 1 जनवरी 2016 से दिया जाए, जो कि अन्य कर्मचारियों को दिया गया है। जो अन्य कर्मचारी हैं राज्य सरकार के उन सबको 1 जनवरी 2016 से दिया गया है, तो फिर अध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से ये सातवां वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा? आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।